वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर WAO 2022 के पेपर का अध्ययन करेंगे, उसके आंसर का पता लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की अंतर राज्य के सिंचाई परियोजना नहीं है? तो कौन सी नहीं है, एक तो जागम परियोजना और जवाई परियोजना, तो इसका आंसर फोर्ट होगा, उद्गम सम्मिलित नहीं है। ने खोम नौकर लोनी बिछड़ा मेड़ा सोम और दिवेर कोठारी, यानी कौन सा नहीं है, बिजराल खारी जो सेकंड है, मिलान करना है। तो इसका लोहे अस्क, लोहिया जो अस्क है वो डबलाना सिंगाना है, और तांबेगा है खो दरीबा, और शीशा और जस्ता, शीशा जस्ता है चौथ माता बरवाड़ा, और ट्रंगस्टन है देघाना बकारी, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। राजस्थान का जिला जिसकी 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या में वृद्धि दर प्रतिशत सर्वाधिक है, बाड़मेर। 56 की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है, बाड़मेर में। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था वर्ष 1977-78 में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो गया थर्ड, यानी कि AW झालावाड़ और डी BWAW बीकानेर। केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में कौन से जिले में अवस्थित है, तो इसका है धौलपुर। तो और कौन सा युग्म गलत है, तो इसमें होगा उदयपुर गोमतेश्वर, बाकी सब सही है। पशु जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो बकरी की, मिलान करना है, तो इसका आंसर होगा सेकेंड वाला। तो शुष्क रेतली मैदान है, तो इसका है भाप। लूनी बेसान पंचपंद्रा सेकाउटी है डेगाना, और घाघर का मैदान नाली, और इसके अंदर मिलान करना है, तो इसका आंसर होगा सेकंड वाला। तो प्राकृतिक गैस है रामगढ़, और पवन ऊर्जा है जो कहाँ पर है, भैरू खेड़ा, और सौर ऊर्जा है बड़ा बाग, और परमाणु या आणविक ऊर्जा है वो है राउत भट्टा। राजस्थान में 31 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है, तो उदयपुर में। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी बनाई है, 2010 में। निम्नलिखित में वर्षा में से किस वर्ष में अकाल में राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई है, तो 2009-10 में। नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बोर्ड अध्यक्ष कौन बने, जय नारायण व्यास। स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी, चूरू में। निम्नलिखित में से 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वह भैरू सिंह शेखावत, त्रिलोक हरी नंद, शहीद राम और रामाजी दास किस रियासत के चित्रकार थे, तो जयपुर रियासत के। निम्नलिखित में से किस देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है, तो बापूजी का। निम्न में से किस समिति के अकुंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलीन किया गया था, तो शंकर राव देव समिति। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रसारण किया जाता है, तो जगती ज्योत का किल देव। निम्न में से किस वंश के संबंधित है, तो कछुआ वंश के। दादू पंत की नागा शाखा किस के द्वारा स्थापित की गई थी, सुंदरदास जी के द्वारा। राजस्थान में निम्न में से किस गणतंत्र जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हैं, मालू।
भगोर के बारे में नहीं कसम पढ़ी है, तो कौन से सही है इसमें? थर्ड नंबर सही है, भगोर लघु पोषण करण मिले हैं, और वी एन मिश्र भगोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। निम्न में से किस मेवाड़ शासक ने चित्तौड़ की किले की मरम्मत कराई थी? तो महाराणा जगत सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा राग कल्पतरु की रचनाकार है? तो कृष्ण नंद व्यास। नाना साहब का झलरा और इब्राहिम का झलरा जलाशय किस किले में अवस्थित है? तारागढ़ अजमेर में। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बंडेर पद का प्रयोग करता है? सिरुई। मृदा अपरदन के निम्न प्रकार को प्रथम से अग्रिम चरणों में क्रमबद्ध कीजिए। मृदा अपरदन के निम्न प्रकारों को प्रथम से अग्रिम चरणों में क्रमबद्ध कीजिए, तो इसका सेकंड आंसर है, जो पहला है स्पोर अपरदन, फिर दूसरा है सीड अपरदन, फिर तीसरा है रील अपरदन, और फिर चौथा है गली अपरदन। बीज का वास्तविक मान क्या होगा यदि शुद्धता 80% और अंकुरण 17% है? तो इसका आंसर 80 × 70/100, तो 56 आंसर आ जाएंगे इसके। संकर धान की खेती है तो इष्टतम बीज दर है तो 15। पुरवाई से तात्पर्य है हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। निम्न में से कौन सा मैक्रोनिक गेहूं है? तो टीट्रिकम ड्यूरम। चुकंदर किस कुल से संबंधित है? चेनोपोडियेसी। एग्रीसिल्वर कल्चर किसके संदर्भ करता है? तो है फसल और वृक्ष, यानी फोर्थ आंसर। गन्ने की फसल की कुल जल मांग है तो 200 से 300 सेंटीमीटर। अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा अधिकतम वाष्पोत्सर्जन का अनुपात होता है? अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा अधिकतम वाष्पोत्सर्जन का अनुपात होता है, तो इसका है फर्स्ट, इसका आंसर होगा, और 0.20 से लेकर 0.20 से 0.5। निम्न फसलों को कम से अधिक प्रोटीन की मात्रा के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए, तो इसका आप सेकेंड आंसर होगा, सबसे कम चावल में, उससे ज़्यादा गेहूं में, फिर उससे ज़्यादा मूंगफली में, फिर सबसे ज़्यादा सोयाबीन में। तो कौन सी फसल तेल व रेशा दोनों के उत्पादन में के लिए उपयोगी है? तो अलसी। आलू के हरापन रोकने के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है? मिट्टी चढ़ाना। 1 हेक्टर सेंटीमीटर में पानी कितने लीटर पानी की समक्ष होता है? तो 1 लाख लीटर, जो इसका आंसर होगा थर्ड। 2 हेक्टर क्षेत्र के लिए शाकनाशी के व्यापारिक मात्रा गणना के लिए सूचना आधार पर कीजिए, तो उपलब्ध फॉर्मुलेशन 20 WPP और छिड़काव मात्रा 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, यानी 40 ग्राम। खालिस्तान MM से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला दिवस फसल दिवस कहा जाता है? खालिस्तान MM से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला दिवस फसल वर्ष दिवस कहा जाता है, तो 5.0। शुष्क क्षेत्रों की लवण प्रभावित मृदा को किस मृदा गण में वर्गीकृत किया जाता है? एरिडिस सोल। मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों का DTPA निरीक्षण परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लिंडेस एवं नोरवेल। उपस्तर निदान सूचकांक स्तर कहलाता है एंडोपोडाम। मृदा में कार्बनिक पदार्थ किस तत्वों के स्थिरीकरण को कम करता है? तो फास्फोरस के। निम्न में से किस मृदा कि कुल रंध्र अवकाश सबसे अधिक होता है? तो कले दोमट मृदा, यानी फोर्थ आंसर। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदाओं को सुधारने के लिए हेतु किया जाता है? क्षारीय मृदाओं को। पौधे में तांबे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो डाइबेक रोग। मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है जलवायु एवं जैव मंडल। कौन सा स्वपोषित सूक्ष्म जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करता है? कीमोऑटोट्रोपस, यानी सेकंड आंसर इसका। निम्न में से कौन सी गैर खाद्य खली है? तो
तो अरंडी खिली। छोटे एवं मध्य आकार के खेतों में भूमि ग्रेडिंग के लिए पशु शक्ति के उपयोग से सबसे कुशल यंत्र कौन सा है? तो एक तो बैक स्कोपर और एक लकड़ी का प्लॉट, जिन दोनों से कोई हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर बैक स्कोपर है। मृदा नमी ज्ञात करने के लिए काम में लिए जाने वाला टेंसियोमीटर मृदा की किस स्तर तक मृदा नमी तनाव का कार्य करता है? तो 0.85 वातावरण तनाव के, यानी पहला आंसर। पानी के दबाव यानी हेड के निर्देशक किस प्रकार का पंप पानी की मात्रा को निर्धारण करता है? इसका फिक्स नहीं है अभी। एक सिंचाई चैनल या कुआ आउटलेट स्रोत पर अपेक्षाकृत उच्च प्रभाव को मापने के लिए निम्न उपकरण में कौन सा सबसे श्रेष्ठ है? तो ये है, इसका भी फिक्स नहीं है। ग्रो आउट परीक्षण का उपयोग के लिए किया जाता है अनुवांशिक शुद्धता के लिए। खालिस्तान गेहूं में बोनेपन की जिन स्रोत है? तो नोरेंटेन। निम्न में से कौन सा रोग बाजरा बीज उत्पादन में आपदजनक रोग के रूप में जाना जाता है? अर्गट। उत्परिवर्तन जो कि जंगली प्रकार का सामान्य फिनोटाइप में उत्परिवर्तित रूप दुर्लभ फिनोटाइप में परिवर्तित करते हैं, वो कहलाते हैं अग्रम उत्परिवर्तन। निम्न में से किस जीन पूल की जैविक प्रजातियों में संकरण आसान है संतान में बिना किसी उर्वरता की समस्या के? तो प्राथमिक जीन पूल में GNG 2171 किस फसल की उन्नत किस्म है? तो चना की। F1 संतति की अपनी बेहतर जनक की श्रेष्ठता कटिबंधीय संकर औस कहलाती है। निम्न में से कौन सा दलहनी का मुख्य प्रजनन उद्देश्य होता है? तो पुष्पन समकालिता और नॉन सुटरिंग, यानी फोर्थ आंसर होगा दोनों। वंशागति के दौरान जीनों के एक साथ रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अनुवांशिक सहलग्नता। निम्न में से कौन सी विधि या विधियों का उपयोग वियोजित पीढ़ियों के प्रबंधन हेतु किया जाता है? तो पुंज चेन के। कौन सा चेन व्यक्ति विभिन्नता के माध्यम के करीब के इष्टतम लक्षणों को प्रारूप का समर्थन करता है? तो स्तर चेन। निम्नलिखित में से कौन फल पकने के लिए उत्तरदायी होता है? तो है इथाइलिन। कोशिका विसरण दबाव न्यूनतम निम्न के बराबर होता है? तो प्राचीन दाब माइनस स्मृति दाब, एंड थर्ड आंसर होगा इसका। मिलान करना है तो इसका आंसर होगा पहला, जो इंडोर एसिडिक बिटोरिक जो एसिड है वो जड़ों के निर्माण के लिए सही होता है। दूसरा है जिब्रेलिक एसिड जो सुसंगता को तोड़ने के लिए काम आता है। थर्ड है जिएटिन है कोशिका विभाजन की शुरुआत में काम आता है। और एप्सिक एसिड जो क्या होता है, तनाव हार्मोन, स्टेट हार्मोन बोलते हैं उसको। भारत में निर्मित नैनो यूरिया के कण की भौतिक आकार सीमा क्या है? तो पहला आंसर होगा इसका 20 से 50 नैनोमीटर। नैनो टेक्नोलॉजी का शब्द प्रयोग किया था नोरियो तेनोगुची ने। सहसंबंध गुणांक एक इकाई मुक्त माप किसकी रेंज होती है? -1 से +1। यानी पहला आंसर। परीक्षणों के योग को परीक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान कहलाता है? माध्य। यादृच्छिक खंड अभिकल्पना में टी उपचार और आर प्रतिकृत के साथ त्रुटि की स्वतंत्रता कोटि की गणना की जाती है? R1 और T1। यानी सेकेंड आंसर। पैकेजिंग में इथाइलिन के अवशोषण का उपयुक्त उदाहरण है? तो पोटेशियम पर मैग्नेट। शूट गोल किस फसल का कीट है? बेर का, सॉरी आंवले का। भूसा ऑल ग्रीन किसकी किस्म है? तो पालक की। सेपोनिन निम्न में से किसका सक्रिय घटक है? तो सफेद मूसली का। निम्नलिखित में से कौन सी बहुत गहरी जड़ वाली सब्जी है? तो कद्दू। निम्न में से कौन सा पौधा डे न्यूट्रन है? तो कौन सा है, मिर्ची। फूल गोभी में रिशनेस का कारण है उच्च तापमान। ग्लेडियोलस में प्रावधान के द्वारा होता है
गलकंद के द्वारा। निम्न से अदरक की किस्म नहीं है तो कृष्णा नहीं है। तैयार जैम में अपघटित शर्करा की मात्रा 45% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 40% से। लोवन में फेयरिंग रिंग समस्या किस कारण होती है? मर्दा जनित फफूंद के कारण। सूर्या एक किस्म है पपीते की। शीघ्र उत्पादित होने वाली सब्जी कौन सी है? मूली। प्राइड ऑफ इंडिया एक किस्म है पत्ता गोभी की। बगीचा लगाने की सर्वाधिक आसान और प्रचलित कौन सी विधि है? वर्गीकार विधि। 2017-18 के अनुसार कुल उद्यानी फसलों का उत्पादन है 311 मिलियन टन। CA भंडारण किस पद्धति पर आधारित है? ऑक्सीजन को कम करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सिसिन के कारण। पौधों के भाग को चयनात्मक और पूर्ण रूप से हटाना कहलाता है विरलन। लीफ कर्ल रोग का कारक है विषाणु। बैंगन में लिटिल लीफ का वाहक है तो पत्तेदार पुदकाहन लीफ होपर। धनिया के सूखे बीजों में 45% एसेशन ऑयल होता है 0.1 से 1% तक। श्री गणेश निम्न में से किसका संकर है? ग्लैडुलस का। क्राइसेंथेमस चरम निम्न से किसकी किस्म है? टैगेटस इरेटा। असंस्करण के उपरांत डिब्बों को तेजी से ठंडा किया जाता है तो 39 डिग्री सेल्सियस पर। सामान्य मुख्यतः किस बीज की सैया को सर्दियों में तैयार किया जाता है? तो डूबी हुई संकलित कैरियों, क्योंकि सर्दी से बचाने के लिए। उच्च दाब ड्रिप सिंचाई किस दबाव पर कार्य करती है? 30 PPS या इससे अधिक। भूसा मधुरस एक किस्म है जो मधु लगता था वह खरबूजे की होती है। वाइनिकी की वह शाखा जिसमें विभिन्न आयामों को ज्ञात किया जाता है तो फॉरेस्ट मेंसुरेशन। वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ था 1980 में। कृषि विपणन सलाहकार भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मानकों के आधार पर ग्रेड कृषि उत्पादकों पर लेबल लगा होता है एक मार्क। लघु और मध्य अवधि के ऋण आपूर्ति के संदर्भ में सहकारी बैंकों की राजस्थान राज्य में संरचना क्या है? एकल स्तरीय संरचना। निम्नलिखित में से कथन गलत है तो इसका कथन गलत होगा। वर्ष 2019-20 के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के अनुसार पशुधन क्षेत्र का भारत में सकल मूल्य वर्धन में 4.35% योगदान था तो ये फोर्थ होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कृषि बाजार की क्रियान्वित एजेंसी है? लघु कृषि कृषि व्यापार संघ। प्रीमियर के रूप में सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा राशि का कितना प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है? 1-2% और रबी वाली में 1.5%। कृषि व्यवसाय में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए लाभ में अपेक्षाकृत परिवर्तन की गणना किसका उपयोग किया जाता है? आंशिक बजट का। यानी आंसर होगा तीसरा। निम्नलिखित में से प्रसार शिक्षा का अध्ययन प्रक्रिया का कौन सा क्रम सही है? तो फोर्थ वाला सही है। ध्यान आकर्षण, फिर रुचि, इच्छा, विश्वास और क्रिया पर संतुष्टि। अनुभव आधारित अधिगम या अनुभव आधारित परीक्षण, उद्यमिता विकास परीक्षण, ग्रामीण कृषक कार्य अनुभव, उत्पादन इकाइयों में औद्योगिक परीक्षण एवं परियोजना का कार्य किस कार्यक्रम का अवयव है? तो स्टूडेंट रेडी। संचार के निम्न में से किस मॉडल में स्रोतों की प्रतिक्रिया का समावेश होता है? लिगेंस मॉडल में। ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं? केवल मतदाता सूची में पंजीकृत ग्रामवासी। निम्न में से कौन से कार्यक्रम का स्वर्ण जयंती ग्राम सब रोजगार योजना में विलीन किया गया था? तो ये थर्ड वाला आंसर है इसका। ग्रामीण युवा के लिए स्वरोजगार परीक्षण परीक्षण यानी ट्राइसोम। एस मिगर 1962 के अनुसार प्रसार के दर्शन के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रसार एक व्यवसाय प्रक्रिया है।
इसका थर्ड आंसर होगा। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में बकरियों की संख्या थी तो 20.84 मिलियन। भेड़ में सामान्य मध्य चक्र अवधि क्या है? 16 से 19 दिन। अविशयन भेड़ कितने नस्लों का क्रॉस है? 3 का। फ्रिजियन ओल गाय किसका क्रॉस है? HF साहिवाल का, यानी सेकंड आंसर। गायों में सामान्यतः आप्राय प्लेसेंटा बाहर निकाला जाता है प्रसाव के चार से आठ घंटे के भीतर। गाय के दूध में किस कारण प्रोटीन वसा और SNF घटने लगता है? प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के कारण। मारवाड़ी किसकी नस्ल है? ऊंट की भी, बकरी की भी और घोड़े की भी, उपयोग सभी के हैं। चारे की फसलों को सुरक्षित करने का आर्थिक एवं संतोषजनक तरीका है बनाकर। औसतन एक सांड का सर स्खलित करता है 4 ml लिए। बछड़े में सिंह रोदन डिस्डिंग किस उम्र में किया जाता है? जन्म के 3 से 10 दिन बाद में। निम्न में से कौन सा एक आश्रय ऋतु है? तो मेलम सोरालिनी यानी सेकंड आंसर। कौन सा सबसे व्यापक माइक्रो पैरासाइटिक कवक में से है? तो इसका आंसर होगा ट्राइकोडर्मा हेरजियनम, यानी फोर्थ आंसर। टमाटर का चूर्ण अस्थिरता रोग किसके कारण होता है? तो एरिसेपी ओ रोटी। बाजरा का मर्दु रोमिल अस्थिरता रोग किसके कारण होता है? सर्गोस्पोरा कर्मिनिकोला के। टेंटोक्सिन किस कवक के द्वारा उत्पन्न होता है जो पौधों के धब्बे और क्लोरोसिस का कारण बनता है? तो इसका है आंसर होगा अल्टरनेरिया अल्टरनेटा। प्रत्येक विषाणु हमेशा होता है या तो आरएनए या फिर डीएनए, तो इसका तीसरा आंसर होगा। फफूंद की उत्परिवर्तनशीलता के तथ्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? एरिकसन। फूल गोभी मोजेक विषाणु का आकार है गोलाकार। कौन सा एक बंध्यकारी परजीवी कवक नहीं है? तो अल्टरनेरिया। तो ये फूल गोभी मोजेक जो विषाणु को, ये इसमें केवल डीएनए पाया जाता है, बाकी सब में आरएनए पाया जाता है। निम्न में से कौन सी एरी रेशम कीट की प्रजाति है? तो फिलोसेमिया रिसिनी, पहला आंसर होगा। सही साथ ये तो सही इसमें होगा एजोड्रीन मोनोक्रोप्टोफोज, यानी फोर्थ आंसर। आम के भागों में पेड़ के चारों तरफ की मिट्टी की पलटाई किस कीट के पिपावस्था को नष्ट करने के लिए के काम में लिया जाता है? तो फल, इसका आंसर होगा फल मक्खी को। कीटों की वह संख्या जिस पर कीट प्रबंधक का निर्णय लिया जाता है, तो कौन सी है? ETL। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इटालियन मधुमक्खी है मेलिपोना इरिडिपेंस। इसका फोर्थ आंसर होगा। खुरचने और चूसने वाले मुखांगनी में से किस कीट के पाए जाते हैं? तो पर्ण जीव के। कीटनाशकों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता के लिए साइलेंट स्प्रिंग नामक किताब किसने लिखी थी? रिचल कार्सन ने। गोभी के साथ सरसों परपंज फसल के रूप में किस कीट का आकर्षित करती है? हरिकक प्रष्ट पतंग यानी डायमंड बेक मौत, यानी इसका आंसर होगा थर्ड। टीटी की फेज अवधारणा किसने दी थी? उवरोन, यानी फोर्थ आंसर। वायरस जनित ग्रेप वाइन फैन लीप बीमारी किसके द्वारा फैलाई जाती है? तो इसका आंसर होगा जीपीनेमा, यानी फर्स्ट आंसर। पौधों में कौन सा निमोटोड परजीवी सबसे पहले खोजा गया था? तो एंग्विना, जो गेहूं में लगता है।